मनीगाछी प्रखंड के जगदीशपुर में संत महात्मा का एक बड़ा जुटान होने जा रहा है, जिसमें पड़ोसी देश नेपाल के भी संत सम्मिलित होंगे। इस अवसर पर विशाल यज्ञ और भंडारा भी होगा, इसकी तैयारी भी बड़े पैमाने पर चल रही है। क्षेत्र में इसको लेकर लोगों में उत्साह है। आयोजन को लेकर क्या सब तैयारियां हैं, कैसे और कब से यह यज्ञ आरंभ होगा, देखिए इस वीडियो में। आयोजन बावन मंडल संत सम्मेलन भंडारा आठ जिला के संत, 5 जिला इंडिया, 3 जिला नेपाल, 8 जिला संत के आयोजन कल जते। कहिया से कहिया है वाला छे ई, कते दिन का प्रोग्राम? 11 मई से लेकर 22 मई तक जग के आयोजन, 23-24 मई बावन मंडल भंडारा के आयोजन। आयोजन का की उद्देश्य चाहिए, यहाँ के यज्ञ के की उद्देश्य चाहिए, एहि सब पर प्रकाश कनी डालियो, अपने बताइयो की सब। एहिठाम महाविष्णु यज्ञ के भेले बहुत प्रोग्राम छे, रामधिन से रहते, रासोलीला रहते, कथा प्रवचन सेहो सब चलते, और संत सम्मेलन सेहो रहते, बावन मंडल भंडारा सेहो रहते। 23-24 वृंदावन से 11 मई के कलश शोभा यात्रा कल जते, 1500-2000। महात्मा सब कहाँ से आबि रहल छै, कहाँ कहाँ के महात्मा सब आबि रहल छै? महात्मा तऽ एनजीओ के रहते, नेपालो के रहते, और सिमरिया के सेहो सब छै कि रमैनी देवी छै कथा वाचक, नेपाल बॉर्डर पर से, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर छे हुनकर आश्रम। तो फर्स्टे बेर भ रहल छे, ई आयोजन तो फर्स्टे बेर भ रहल छे। आयोजन के विचार कोना? ई जग के विचार भेले जे समय में लॉकडाउन भेले, तहि समय में रहे विचार भेल, तऽ ओहि समय में तऽ लॉकडाउन भऽ गेलै, ताहिके बाद ई कार्यक्रम के स्थगित भऽ गेलै। फेर ओही मे कोई भक्त एहन जगलखिन, राम जी के कृपा भेलनि, कोई भक्त जगलखिन जे भव आयोजन जे है से एकटा महाजग होबाक चाही, तऽ विचार ओहि जगह पर चललै। ताहिके बाद बावनो मंडल के ओही मे विचार के कयल गेलै कि नहि, जब विचार लॉकडाउन भऽ गेलै ओहिमे बावन मंडल सेहो विचार रहै तऽ ओहूमे भऽ जाइक चाही। ई बावन मंडल कथी छियै? बावन मंडल मे की सब? ई बावन मंडल मे 8 जिला के सम्मिलित छै, 5 जिला अपन इंडिया आ 3 जिला नेपाल, 8 जिला के संत एहिमे आयल जेतै। कते लागत लगभग? ओहिमे लागत अकर रूट भऽ गेलै कते सकरीसँ 10 किलोमीटर ई चक्का हेतै, मनीगाछीसँ 9 किलोमीटर चक्का हेतै। हमर चैनल के माध्यमसँ की श्रद्धालु के लेल संदेश बनतै जे दूरसँ श्रद्धालु एथिन, हुनका लेल की व्यवस्था छै? हुनका लेल सब व्यवस्था रहतै, खान पियन, यात्री सबके रहै के ठहरै के सब व्यवस्था रहतै, सबमे पंडाल सब लागि रहल छै, सब आयोजन रहतै, सब बात व्यवस्था रहतै। नाम की छै बाबा? अपन नाम भेलै घनश्याम, अपन
10,000 संत यहाँ पहुँचे थे। निवास से चक्का चतुर्थामणि देवपुर में इस जग स्तर पर उनका अभिनंदन और स्वागत ग्रामवासियों के द्वारा किया जाएगा। संत महाराजों का भंडारा का भी आयोजन है और भंडारा के बाद जो उनका भोजन दक्षिणा होता है उसका भी प्रबंध किया गया है। इस जग में कथावाचक होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम लोग लगे हुए हैं। मूलतः ये धार्मिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन में हम लोग चाहेंगे कि जागरण का प्रोग्राम होगा, प्रतिदिन जागरण का प्रोग्राम होगा। श्रद्धालु जो आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था? श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए यहाँ समुचित व्यवस्था पंडाल का निर्माण हो रहा है। बगल में आप देखिएगा कि भंडारा के लिए जहाँ भंडारा तैयार होगा, प्रतिदिन श्रद्धालु जो रात्रि में यहाँ ठहरेंगे उनके लिए भोजन और रहने का प्रबंध है। संतों के लिए भी यहाँ संत का एक आश्रम है जहाँ पर संत ठहरेंगे, विश्राम करेंगे। यज्ञवेदी के लिए यहाँ यज्ञवेदी सिर्फ एक है, एक ही कुंड है, लेकिन 9 मंडप है। 9 मंडप में अखंड रामधुन का ये कार्यक्रम रखा गया है। सुरक्षा के लिए हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लिया है। स्थानीय थाना अध्यक्ष के द्वारा सुरक्षा का पूरा इंतजाम का आश्वासन दिया गया है। हिंदू धर्मावलंबियों का मानना है, हम लोगों का मानना है कि यज्ञ करने से विश्व और समाज में शांति, समृद्धि और धर्म का एक उत्थान होता है। धर्म के प्रति लोगों का जो आस्था है, जो विश्वास है, मुख्यतः यज्ञ के आयोजन से किसी आपदा को रोका जा सकता है, किसी अच्छे कार्यों के लिए भी कामना रहती है जो यज्ञ करने से फलीभूत होता है, इसी के लिए यज्ञ का आयोजन होता है। ये नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर बाबा घनश्याम दास आश्रम है और इनके बहुत अनुयायी मेरे गांव में। कोरोना काल से पहले इन्होंने आया था और कहा था कि आप लोग अपने गांव में यज्ञ करवाइए। यज्ञ से धार्मिक अनुष्ठान से समाज का कल्याण होता है, मानव का कल्याण होता है। उस समय में कोरोना काल में लॉकडाउन होने के चलते यज्ञ नहीं हो सका। कोरोना काल समाप्त होने के बाद बाबा पुनः पधारे हम लोगों के गांव और इन्होंने कहा कि जग हम जब वचन दे दिए हैं, संकल्प ले लिए हैं तो जग करना है। सारे ग्रामवासियों ने बाबा के यही मत में हाँ में हाँ मिलाते हुए जग जग का आयोजन करने के लिए। इस जगह पे आपने हाँ यह पहली बार इस प्रकार का महाविष्णु महायज्ञ होने जा रहा है। लगभग अनुमानतः 50,00,000 की लागत हम लोग अनुमान किए हैं और यह जन सहयोग से चक्का जगदीशपुर बाजितपुर जलेकर चक्का चटिंदा मणिपुर बेंगलोर आस पास के सभी गांवों से एक एक घर से जन सहयोग राशि के बदौलत ही हम लोग यह जानकारी।
यात्रा करें कि अधिक से अधिक संख्या में आवे और भगवान से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। मैं यहाँ स्थानीय जिला पार्षद सुरेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मेरे ही क्षेत्र में यह जग का आयोजन हुआ है, मेरे गृह गाँव।